हमेशा हम अपने वास्तविक जीवन में वो काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो काम हमें पसंद होता है, जिस काम को करके हमें खुशी मिलती है। पर हम सब जानते हैं कि दुनिया में आज भी आधे से ज़्यादा लोग अपनी पसंद का काम नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं, तो चलिए आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप हर रोज़ वो काम करते हैं जो काम आपको पसंद है। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर सबका जवाब यही होगा कि नहीं, वो काम करना पड़ता है जिसके लिए हम मजबूर हैं। हमारी पसंद का काम करने के लिए हमें समय ही नहीं मिलता, या हमारे पास समय ही नहीं है। क्या पता शायद आपका भी यही जवाब होगा। तो हमें समय मिल क्यों नहीं रहा? हमारा समय कहाँ बीत रहा है, या हम अपने समय को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? एक छोटी सी कहानी के जरिए शायद आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि हम सबके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें वड़ा प्रधान थे, साथ में वो एक बहुत ही अच्छे स्पीकर भी थे। अमेरिका आज भी उनके शब्दों और बातों को याद करता है, क्योंकि वे छोटी छोटी बातों से लोगों को जागृत करते थे। शायद इसीलिए लगभग सभी अमेरिकी लोगों को उनका भाषण सुनना काफी पसंद था। पर उन दिनों इतने माध्यम नहीं थे कि हम किसी वक्ता को घर पर बैठे बैठे आसानी से देख सके और उनका भाषण भी सुन सके। सिर्फ एक ही माध्यम था, वो था रेडियो। इसीलिए समय समय पर रेडियो स्टेशन पर उनका भाषण हुआ करता था, जो एक मजदूर से लेकर बड़े बड़े अमीर लोग भी सुनते थे। ऐसे में एक दिन नज़दीकी रेडियो स्टेशन पर उनका भाषण था और कैनेडी को दिए गए समय पर वहां पर पहुंचना था, पर बारिश इतनी तेज हो रही थी कि चल कर जाना मुश्किल था, तो दूसरी ओर रेडियो स्टेशन पर जाना भी बहुत जरूरी था। रोड बिल्कुल सुनसान था और कैनेडी वहीं पर खड़े खड़े इंतजार करने लगे। ऐसे में बाल बाल एक ऑटो वाला रोड पर नजर आया, जिन्हें रोककर कैनेडी ने कहा कि भाई साहब, क्या आप मुझे रेडियो स्टेशन तक छोड़ दोगे? लगा कि ऑटो वाला काफी जल्दी में है और वो बोल रहा था कि नहीं नहीं साहब, अभी मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है और जॉन एफ कैनेडी का रेडियो स्टेशन पर भाषण आने वाला है, जाकर वो भाषण सुनना है मुझे। अब ऑटो वाला नहीं जानता था कि सामने खड़ा इंसान ही जॉन एफ कैनेडी है, इसलिए क्योंकि उसने कैनेडी का भाषण ही सुना हुआ था, उसे कभी देखा नहीं था। शायद इसलिए ऑटो वाले ने रेडियो स्टेशन तक जाने से मना कर दिया। अगर वो उसे जानता होता कि यहाँ तो जॉन एफ कैनेडी है, तो पक्का वो ऑटो वाला कैनेडी को मुफ्त में ले चलता। कैनेडी को जाना जरूरी था और पता नहीं दूसरा ऑटो वाला कब मिलेगा, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही थी। इसलिए कैनेडी ने फिर से कहा कि मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा अगर वहां तक छोड़ दोगे तो क्या अब तुम आ रहे हो? अब ऑटो वाला परेशान नजर आया और कुछ देर सोचकर आखिर मुस्कुराते हुए उसने बताया कि ठीक है, बैठिए जल्दी से, वरना जब तक मैं आपको रेडियो स्टेशन तक नहीं छोड़ूंगा, तब तक शायद आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर दोनों रेडियो स्टेशन की तरफ बड़ी तेजी से निकल पड़े। कैनेडी रेडियो स्टेशन तक पहुंच गए और ऑटो वाला भी बड़ी तेजी से ऑटो को भगाता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। पर हैरानी की बात यह थी कि अभी तक उसे पता नहीं चला कि जिस आदमी को मैंने यहाँ छोड़ा, वो खुद ही जॉन एफ कैनेडी थे, जिसका भाषण सुनने के लिए वो इतनी भागदौड़ कर रहा था। खैर, कैनेडी का भाषण शुरू हुआ और हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी लोगों को खुश कर दिया। पर उन्होंने अपने भाषण का समापन कुछ अलग तरीके से किया। अभी ऑटो वाले के साथ जो घटना बनी, वो घटना पूरे अमेरिका को सुनाई और एक लाइन में अपना भाषण खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर भाषण खत्म हो गया और जिनको यह भाषण सुनना था, वो ऑटो वाला अभी तक रास्ते में ही था।
और अपने पसंदीदा वक्ता का भाषण नहीं सुन पाया। कुछ इस तरह से हम भी पैसों के जाल में फंसे रहते हैं और अपना समय ऐसे ही कामों में बर्बाद करते रहते हैं, जिस तरह से इस ऑटो वाले ने अपना समय बर्बाद किया उसी तरह से। धन्यवाद। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। क्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, जिससे अगला वीडियो हम और भी बेहतर बना सके और आपका आत्मविश्वास बढ़ा सके। हम हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ वापस लौटते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आप मिस ना करें। जय हिंद।